हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट क्यूएस सिविल एक्सपर्ट। आज की जो वीडियो है इसमें दोस्तों हम प्लास्टर के लिए मटेरियल की कैलकुलेशन करेंगे कि हमारे पास अगर किसी भी वॉल का या बिल्डिंग का एरिया हमारे पास प्लास्टर का मौजूद है, उधर हमने प्लास्टर करना है तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड मटेरियल कितना है, एसीमोट कोसाइन की कितनी हमें क्वान्टिटी जो है वो रिक्वायर्ड है प्लास्टर करने के लिए। चलें दोस्तों शुरू करते हैं। हाउ टू डिटरमिन द क्वान्टिटी ऑफ मटेरियल required for plaster work having thickness is 20 mm and ratio is 1:4 cement sand ratio। अभी प्लास्टर की जो थिकनेस है दोस्तों वो है 20 mm, यानी कि पौना इंच थिक प्लास्टर है और उसकी जो रेशियो 1:4 है, इसमें 1 सीमेंट है और 4 जो है वो सैंड है। इसके लिए दोस्तों हम मटेरियल कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने एक टोटल एरिया लिया है 100 स्क्वायर फीट। 100 स्क्वायर फीट पे हमने जो है वो प्लास्टर करना है। प्लास्टर की हमारी थिकनेस है 3/4 इंच। 3/4 को मैंने डिवाइड किया है 12 से, लेकिन 0.75 को तकसीम किया है 12 से, तो हमारी थिकनेस आ गई है फुटेज में, फुट पर थिकनेस आ गई है 0.06। इसको अब हमने थिकनेस को और एरिया को जो मल्टीप्लाई आप उसमें कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.25। हमारा जो है वेट वॉल्यूम है, सॉलिड वॉल्यूम आ गया। इसके बाद हमने वेट वॉल्यूम से मटेरियल कैलकुलेट करने के लिए ड्राई वॉल्यूम रूम करना है। तो हमारा जो प्लास्टर का वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम के लिए जो प्लास्टर का फैक्टर है वो है 1.27, यानी कि जितना हमारा वेट वॉल्यूम है इसको हम 1.27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा। 6.25 को हमने ये 1.27 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया ड्राई वॉल्यूम 7.94। अब दोस्तों हमने देखना है कि रेशियो कौन सी है। रेशियो है हमारी इधर 1:4 की, इसका हमने लेना जी सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो है जी 1+4=5। अगर हमारा इधर कोई और रेशियो होती 1:5 की या 1:3 की, अगर 1:3 की होती तो सम ऑफ रेशियो हमारा आना था 1+3=4। अब इधर हमारी सम ऑफ रेशियो आ गया जी 5, जिसके बाद हमारा ड्राई वॉल्यूम भी आ गया, सम ऑफ रेशियो भी आ गया। अब हमने सीमेंट की क्वान्टिटी कैलकुलेट करनी होगी, क्वान्टिटी ऑफ सीमेंट इन CFT। हम करेंगे जी जो हमारा ड्राई वॉल्यूम है उसको सम ऑफ रेशियो 5 से डिवाइड करेंगे और सीमेंट का हमारा कितनी परसेंट भी 1 सीमेंट है 4 सैंड है। ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो हमारी आ जाएगा 1.59। ये हमारी सीमेंट की क्वांटिटी आ गया इन CFT, जबकि हमारा सीमेंट जो मार्केट हम परचेज करते हैं या मार्केट से आता है वो बैग में होता है, बैग जो होता है हमारा वो 50 kg का होता है, जबकि हमारे एक बैग जो सीमेंट का होता है उसमें 1.25 CFT होते हैं। हम जो हमारा CFT आया इसको डिवाइड करेंगे 1.25 और हमारी सीमेंट की क्वांटिटी आ जाएगी जी बैग जो कि हमारी आई है 1.27। सीमेंट की क्वांटिटी आ गया, इसके बाद हमने सैंड की क्वांटिटी भी लोड करनी है। सैंड जो हमारी दोस्तों होती है ये हमारी परचेज जो होती है मार्केट से आती है वो आती है CFT में, इसका यूनिट ही CFT है। सैंड हम देखेंगे जो हमारा ड्राई वॉल्यूम है इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, क्योंकि 1 सीमेंट है और 4 रेशियो 4 जो है वो नंबर जो है वो सैंड है, 1 सीमेंट और 4 सैंड। सैंड की क्वांटिटी के लिए सामा जो हमारा ड्राई वॉल्यूम है इसको डिवाइड करना है सामा रेशियो से और मल्टीप्लाई कर देना 4 से, तो हमारी सैंड की क्वांटिटी आ जाएगी 6.35 CFT। अब ये हमारा मटेरियल कैलकुलेट हो चुका है जी। अगर हमारा 100 स्क्वायर फीट एरिया हो, रेशियो जो हमारी हो प्लास्टर की 1:4 हो और सीमेंट जो हमारी प्लास्टर की थिकनेस है वो हो 20 mm, तो हमारा इसके लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, मटेरियल की हमें ज़रूरत होगी सीमेंट है 1.27 बैग और हमारी सैंड की जो क्वान्टिटी है वो है 6.35 CFT। तो इस तरह दोस्तों हम सीमेंट की हमारी प्लास्टर के लिए हमारी कोई भी रेशियो हो, उसमें रेशियो हो या उसकी थिकनेस हो, 1/4 इंच हो या 1/2 इंच हो, इस तरीके से हम उसकी जो है मटेरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।